तो इस साल सबकी गांडे इस चीज से फटी हुई है कि यार टर्म वन एग्जाम तो OMR सीट पे होने वाला है ना, पर हमें तो पता कुछ है नहीं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो भाई साहब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो बेटा काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। अबे यार तुम लोग बिना एकदम तुच्छी बातें कर लेते हो एकदम। कर दी ना गरीबों वाली बात, भाई किस लिए बैठा हुआ है तुम्हारा बताओ। नहीं मतलब तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ में हार पिक पी के सस्ता नशा कर रहे हैं? नहीं यार तुम लोग यार परेशानी में हो और मैं चुप बैठा रहूँ यार, ऐसा हो नहीं सकता भाई। तो ये रहा वो वीडियो जिसके लिए तुम लोग कई जन्मों जन्मों से इंतजार कर रहे थे कि भाई तू कब ला रहा है OMR सीट के ऊपर वीडियो। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब? अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा फेंक रहा हूँ मैं शायद, इतना ना फेंको कि तुम लोग उठा ही ना पाओ ठीक है। बट देखो कहानी का लुब्बे लुबास ये है कि इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से तुम्हें OMR सीट को भरना है कि तुम्हारा एक भी मार्क कटा ना जाए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखो भाइयों मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहता, बट जो सच है वो सच है। एक छोटा सा गलती तुम्हारा OMR सीट पे तुम पे भारी पड़ सकता है। देखो नॉर्मली पेपर्स कैसे चेक होता है, टीचर्स मैनुअली चेक करते हैं, बट जब हम बात करते हैं OMR सीट का तो ये एक कंप्यूटराइज प्रोसेस है, कोई टीचर का इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। तुमने जो भी गोला बनाया है कंप्यूटर उसे स्कैन करके एक फाइनल रिजल्ट देगा और फिर उसे टीचर्स वेरीफाई करेगा ठीक है। तो एक छोटा सा भी गलती तुम्हारे ऊपर भारी पड़ सकता है। तो बहुत ही नज़ाकत से, हिमायत से और पता नहीं क्या कत से बस देखो इस वीडियो को ध्यान से। तो जब एग्जाम हॉल के अंदर में तुम्हारा फटके चार हो चुका होगा और तुम नज़र मारोगे OMR सीट के ऊपर, तो जो सबसे पहला चीज़ तुम्हें दिखेगा जो तुम एग्ज़ाम देने आए हो उसका नाम बताओ। तो यार CBSE क्लास 10 या फिर तुम 12 हो तो 12 का एग्ज़ाम ब्रैकेट में टर्म 1 लिख देना, क्योंकि देखो CBSE के गाइडलाइन के हिसाब से अभी तक के लिए कहा यह गया है कि OMR सीट का इस्तेमाल टर्म 1 में होगा। और उसके नीचे है ईयर। अब तुम लोग इतना बकचोद तो हो नहीं भाई कि टाइम मशीन बना के 1940 पे चले जाओगे और उसका डेट लिख के आ जाओगे, ऐसा तो है नहीं। तो तुम लोगों को डेट तो पता ही है 2021। मतलब भाई साहब इस डेट को याद करने दिल नहीं करता है, या इस कोरोना ने ना मतलब नफरत सा कर दिया इन सब चीज़ों से। मैं तो कैलेंडर देखना ही छोड़ चुका हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, घर में बैठ के वही सांड जैसा दिन भर बकचोदी बकचोदी बकचोदी, कुछ तो है नहीं करने के लिए। खैर यार आगे देखते हैं। इसके नीचे तुम्हें दिखेगा एग्ज़ाम सेंटर। अब जो तुम्हारा एग्ज़ाम का सेंटर है इसके बारे में लिख देना। अब जैसे मैंने लिखा है मिर्ज़ापुर, वेब सीरीज देखा है ना तुम लोगों ने मिर्ज़ापुर, आई गेस देखा ही होगा। तो वो है मेरा एग्ज़ाम सेंटर। और उसके बाद है बुक लिस्ट नंबर, ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर के पहले ही पेज पे एकदम टॉप मोस्ट कॉर्नर पे दिया हुआ होगा। फिर आता है कैंडिडेट का नाम। अब जैसे मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ तो मैं लिख लेता हूँ BB। मतलब भाई झमेला ही नहीं है, ऐसा नाम होना चाहिए, मतलब दो लेटर्स और काम ख़त्म। अब उसके बाद है तुम्हारा सिग्नेचर, जिसके लिए यार CBSE वाले मरे पड़े हैं भाई। तुम्हारा सिग्नेचर लेने ही तो बैठे हुए हैं वो, तुम तो शाहरुख खान हो ना भाई, तुम्हारा सिग्नेचर के लिए तो वो भाई सदियों सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके साइड पे तुम्हें मिलेगा टीचर्स का सिग्नेचर। अब वहाँ जाके यार तुम मत दे देना, ऐसा बकचोदी करोगे तो तुम्हारा जिम्मेदारी मैं नहीं लेने वाला भाई, टीचर्स का काम टीचर्स को करने दो ठीक है। अब इसके नीचे पढ़ना है तुम्हें इंस्ट्रक्शन, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ऊपर में जितना बकचोदी करना था कर लिया हमने, ध्यान देना है जब भी एग्ज़ाम देने जाओ भाई ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, ऑब्वियस सब आते सब करते हैं। और मेरा तुम्हें सजेशन रहेगा कि ब्लैक पेन लेके जाओ। और देखो तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोला तुम्हें किस तरीके से बनाना है। यहाँ में देखो चार तरीका बताया है जिसमें तीन तरीका गलत है और जो एक तरीका है वो सही है। पहला तरीका देखो, तुम्हारे पास जो चार ऑप्शन रहेगा उसमें से तुम्हें अगर लगता है कोई सही आंसर उसे काटना तो बिल्कुल नहीं है ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें लग रहा है कि ये सही आंसर उसे टिक करके आ जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। ये यार बचपन में हम करते थे, अब यार अगर ऐसा करोगे ना तो भाई साहब धन्य हो महाप्रभु हो भाई तुम। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तुम यार हम तुच्छ मानवों के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारा स्थान तो स्वर्ग लोक पे होना चाहिए भाई। उसका बाद तीसरा ऑप्शन, अब ये जो गलती है ना ये हर एक बच्चा करता है और उसके बाद मार्क कटा जाएगा। इनफैक्ट मैंने भी जब पहली बार मेरा कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा था लोड़ू, अब ये चीज मैंने बता के गलती कर दिया सही में। अब तुम लोग पूछोगे कमेंट में कौन सा कम्पिटेटिव एग्जाम, तो बता ही देता हूँ मैंने अपना पहला जिंदगी का कम्पिटेटिव एग्जाम दिया था रेलवे का। और भाई साहब पूछो मत, इतना बकचोदी किया मैंने वहाँ क्या बताओ। बट कोई बात नहीं, गलती से ही हम सीखते हैं। तो देखो ऐसा गलती मत करना कि सर्कल के आधे कोने पे बस गोला करके आगे और साइड में खाली जगह बच गया, ऐसा करोगे तो OMR सीट
जब कंप्यूटराइज प्रोसेस पे जाएगा तो तुम्हारे आंसर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और तुम जो सोचोगे कि भाई मैंने तो सही करके आया था पूरा, बट तुम्हें मार्क नहीं मिलेगा। जो सही तरीका है ये रहा, जहाँ तुम्हें गोल इस तरीके से करना है कि पूरा सर्कल जो है वो भर जाए। अब देखो वो जो चीज़ें मैंने बताया ये नीचे में लिखा हुआ है। अब देखो पॉइंट नंबर 6 पर बताया गया है कि अगर तुम कोई रफ चीज़ कर रहे हो जैसे कि मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन, तो तुम्हें OMR सीट के जो पीछे खाली जगह दिया हुआ है उधर नहीं करना है। बार बार मैं ये चीज़ कह दे रहा हूँ, OMR सीट के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना। अगर तुम्हें कोई रफ वर्क करना है तो उसके लिए तुम्हारे पास जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके पीछे में दिया होगा जगह, वहाँ कर लेना, ठीक है। फिर यार देखो आखिरी पॉइंट 8 नंबर वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर तुमने कोई क्वेश्चन के अंदर में दो बार गोल किया, मतलब मान लो कि तुम्हारा आंसर है ए और तुमने गलती से बी में गोल कर दिया और फिर तुमने ए में भी गोल कर दिया, तो ये आंसर हो जाएगा इनवैलिड। थोड़ा समय ले लो भाई, बट गलती नहीं करना है। कंफर्म कर लो कि आंसर कौन सा है और उसके बाद ही OMR सीट के ऊपर उतरना। जो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक एडवाइस रहेगा कि पहले यार जो भी आंसर्स तुम्हें लगता है कि सही है नहीं है क्वेश्चन पेपर पे कर लेना, और जब तुम्हें लगे कि भाई यही सब आंसर्स मैं लिखने वाला हूँ OMR सीट पे, उसके बाद OMR सीट पे उसे कॉपी कर देना। अगर तुम पहले ही आंसर्स को OMR सीट पे लिखते हो और गलती हो जाता है, भाई तुम्हारा वो मार्क गया। एक मार्क जो तुम्हें आता था, जो कि तुमने इतना मेहनत से पारा था, वो वेस्ट। तो ये सब चीज़ अवॉइड करने के लिए पहले यार क्वेश्चन पेपर पे कर लेना। वहाँ गलती होता है तो कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी होता है हमारे साथ कि हम कुछ आंसर्स को गलती भी कर देते हैं, फिर हमें याद आता है अच्छा इसका आंसर तो ऐसा नहीं है ऐसा है। तो यार ऐसा मिस्टेक नहीं होने के लिए पहले क्वेश्चन पे कर लेना और जो फाइनल आंसर है उसे OMR सीट पे उतार लेना। हाँ, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि तुम्हारा समय बहुत जाएगा, बट थोड़ा जाने दो समय, हम प्रैक्टिस करेंगे। जो ये OMR सीट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो तुम लोग वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना और अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लेना। बिना प्रैक्टिस के तुम एग्ज़ाम में बैठने जाओगे, टाइम में कभी नहीं कर पाओगे। आता हुआ क्वेश्चन भी जब तुम नहीं कर पाओगे ना, तब यार तुम्हारे दिल में जो दर्द आएगा ना भाई, उससे कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा भाई। वो पेन जो है ना भाई, ब्रेकअप से भी ज़्यादा दर्द देगा कि भाई ये तो मुझे आता था, मैंने पढ़ा था, बट समय के कमी के कारण मैं नहीं कर पाया। 90 मिनट्स का एग्ज़ाम है, तो भाई मैं इतना चिल्ला रहा हूँ तुम्हें ये चीज़ के लिए, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अब उसके नीचे जब तुम आओगे तो तुम्हें मिलेगा सेंटर कोड, ये तुम्हें मिल जाएगा अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में, ठीक है। तो पहले तुम्हें ऊपर में लिख लेना है नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 02। तो उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ नंबर्स दिया हुआ है ऊपर से नीचे तक, 01 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले जैसे 0 है तो मुझे 0 पे गोल करना है, ठीक है। फिर यहाँ दिया हुआ है 2, तो मुझे देखना है कि यहाँ 2 किधर है, तो ये रहा 2, तो मैं यही गोल करूँगा बस, और बाकी किसी को छूना भी मत। जहाँ तुम्हें अपना नंबर दिखे बस वहीं पे गोल करना है। ये बिल्कुल भाई ऐसा ही है, अपने गर्लफ्रेंड के साथ गए घूमने और यार फिर बगल से कोई लौंडिया आई और भाई थोड़ा तार क्या लिए, चप्पल खाने वाला काम कर लिया तुमने। तो यहाँ भी ऐसा ही है भाई, जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है नीचे उसी को ढूंढना और उसी को गोल करना। कहीं दूसरे को गोल कर दिए तो फिर तुम्हारे साथ बकचोदी हो जाएगा भाई, और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है। फिर आगे देखो रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी तुम्हें कहाँ मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड पे मिलेगा। फिर सेट, ये है क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन ना 1 2 3 4 चार सेट्स पे होता है, क्वेश्चंस को उल्टा पुल्टा करके दिया जाता है ताकि एक दूसरे से कोई कॉपी ना करे। तो जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर पे सेट नंबर दिया होगा तुम्हें उसी को गोल करना है। और आखिर में तुम्हारा फ़ोन नंबर, तुम्हें पता है क्या करना है, पहले फ़ोन नंबर ऊपर लिख लेना और उसके बाद नीचे देखना कि कहाँ नंबर्स है। और जैसे कि देखो मैंने यहाँ लिखा है 2, तो ये रहा 2, उसके बाद यहाँ देखो 6 है, 6 का है दोनों नीचे, ये रहा 6, 7, 7 का ये देखो 7, 3 ये रहा तीसरा नंबर पे 3। इस तरीके से यार तुम लोग ढूंढ के कर देना। और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, अगर तुम क्लास 10 हो तो 10, 12 हो तो 12, ठीक है। और यार जेंडर वेंडर का सीन तो तुम्हें पता ही है, देख लेना अपना अपना, इतना तो तुम लोग कर ही लोगे मतलब क्या ही कहूँ मैं अब यार आ चुके हैं असली चीज़ पे। इतना सब चीज़ जो मैंने तुम्हें बताया लगभग 5 से 6 मिनट लगाकर, ये था इंस्ट्रक्शन जो कि तुम्हें बताना बहुत ही ज़रूरी था। बट अब वो चीज़ें हैं जहाँ तुमने अगर गलती किया तो तुम्हारा मार्क सीधा सीधा कटा जाएगा, तो तुम्हें नहीं करना है वो गलती। देखो इस OMR सीट पे लगभग 60 क्वेश्चंस है, तुम्हें पता है एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चंस आने वाला है, 40, ठीक है। क्वेश्चंस तो 60 होगा बट हमें 60 में से 40 करना है। आई होप तुम लोगों ने सैम्पल पेपर देखा हो, एनालाइज़ किया है, तो तुम्हें पता होगा ये चीज़। तो अब कैसे करना है ये जान लो। देखो यार दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1, अब कैसे करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो और एटलीस्ट क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, क्वेश्चन समझ गए, ऑप्शंस देखो। ऑप्शन देखने के बाद ठीक है तुम्हें लग रहा है कि अच्छा ये सही है, ऑप्शन सी जो है वो सही है,
फिर भी OMR सीट पे पहले मत करना, क्वेश्चन पेपर पे ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ो। इसी तरीके से एक बार, दो बार, तीन बार क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करो, और जब तुम्हें लगे कि भाई 40 की 40 क्वेश्चंस मैंने कर लिया है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं भाई, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने 40 के 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया है क्वेश्चन पेपर के अंदर। अब तुम्हें OMR सीट पे उसे उतारना है, तो देखो कैसे उतारोगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो हमने क्या लिखा था, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सी। तो देखो यहाँ हमें सी ऑप्शन कहा है, ये रहा सी, तो यहाँ गोला करना है। अब देखो गोला भी कैसे करना है, देखो मैं यहाँ तुम लोगों के लिए जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा। देखो अब गोला करने का भी एक टेक्निक है, एकदम 20 से स्टार्ट करना और गोल 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 गोल, और ये रहा हमारा परफेक्ट गोला। 20 से गोल 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 करके बाहर तक जाओ और पूरा सर्कल को भर देना है। अब इतना ज़ोर से भी मत करना कि OMR सीट के अंदर में छेदी कर दो तुम लोग, ऐसा बकचोदी मत करना, आराम से करो, बस तुम्हें गोल करना है, छेद नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, तो देखो बी कहाँ है, इधर है बी, तो क्या करना है, गोल 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 गोल। फिर मान लो कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है फिर सी, तो सी को गोल। इस तरीके से तुम्हें जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा उन्हें गोल करना है, ठीक है। आई गेस तुम लोगों को मैंने समझा दिया है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, थोड़ा बहुत तुम लोगों को मदद भी मिला होगा। और जहाँ तक की बात रहा इस OMR सीट का, जो कि मैंने जैसे तैसे तुम लोगों के लिए जुगाड़ किया है भाई, अच्छा खासा पैसा बचा दिया मैंने तुम लोगों का, अमेजोन वाले लूट रहे थे, बट यार बीवी के रहते हुए तुम लोगों को फिक्र लेने की कोई बात नहीं है, बस अपने एग्ज़ाम के ऊपर फोकस रखो, बाकी काम यार हमारे ऊपर छोड़ दो, हम किस लिए बैठे। बट जब मैं तुम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हारा भी एक जिम्मेदारी बनता है कि यार वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ का पता चले, हेल्प मिले, और यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और यार देखो ना वीडियो को ना आधा होता देख के मत जाया करो, इससे यार ऑडियंस रिटेंशन ख़राब होता है, ऐसे करने से यार यूट्यूब यार रिकमेंड करना भी बंद कर देता है। तो यार एटलीस्ट भाई के लिए अगर कोई वीडियो अपलोड कर रहा हो तो देखो तो पूरा देखो, या तो देखना ही मत, सही बात बता रहा हूँ मैं, मतलब मुझे पता चल जाता है यहाँ से, ठीक है, एनालिटिक्स पे देख के। कुछ लोग हैं जो कि आते हैं 2 मिनट देखते चले जाते हैं, इससे यार मतलब वीडियो का जो इंप्रेशन है वो घट जाता है। तो रिक्वेस्ट तुम लोगों से ये रहेगा कि अगर देख रहे हो तो पूरा देखो, इससे यार भाई को बहुत ही सपोर्ट मिलेगा, छोटा सा चैनल है, बस अब तुम लोगों के सहारे ही ग्रो करना है, और यार तुम लोगों को भी आगे बढ़ाना है और मुझे भी आगे बढ़ना है, तो यार दोनों मिलकर चलते हैं। और एक बार टेलीग्राम के ऊपर नज़र मारना है यार, बहुत ज़्यादा चीज़ मिलने वाला है तुम्हें, टेलीग्राम को तो गलती से भी इग्नोर करना मत। तो ठीक है यार, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, थैंक यू, लव यू ऑल।